हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है, लेकिन सावन माह में सोमवार खास महत्व रखता है। देश के विभिन्न जगहों से आए हजारों कांवरिया सुल्तानगंज अजगैवीनाथ गंगा घाट पर उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर जल लेकर देवघर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। देवघर मंदिर का यह प्रांगण है, यहाँ पर इस ये जितना पर ये जो प्रांगण है अभी जो केसरियामय हो चुका है, यहाँ पर जितने भी भक्त हैं उन भक्त के चेहरे पर मुस्कान आप देख सकते हैं। एक 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बावजूद भी उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी है। यहाँ पर कुछ कांवरिये हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जलार्पण करने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। आप बताइए बंदी कहाँ से आए हैं? हम बगहा पश्चिमी चंपारण से हैं। अच्छा, बताइए कितने साल से आए? 19 साल हैं। 19 साल जी। अच्छा, आपकी क्या मन्नतें पूरी हुई हैं? बहुत सी मन्नतें पूरी, सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती रहती है, इसलिए हमको आस्था है। कितने साल से आ रहे हैं? 19 साल से। 19 साल से। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। बताइए 19 साल से आ रहे हैं और सभी मनोकामनाएं जो है उनकी पूर्ण गई है। आप बताइए क्या नाम हुआ? पूरा मनोकामना पूरा हो गया। कितने साल से आ रहे हैं? 800 नया साल आया, पहला साल। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बिहार से। चलिए, युवक हैं, सारी मन्नतें उनकी पूरी हुई हैं, और भी युवक हैं उनसे बताइए आप कितने? बोलबम, हम ये मेरा 5वां साल हुआ। बम 5वां साल? हाँ, 5 साल। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग झारखंड से आए हुए हैं। चलिए हजारीबाग से आए हैं। कब आप जल सुल्तानगंज से कब उठाए? हम लोग जल तो संडे को ही उठाए थे, लेकिन धूप की वजह से चल नहीं पाए थे। आज यहाँ पहुँचे बाबा के दरबार में, और हम रांची से हैं। रांची के 30 किलोमीटर एक बेड़ो जगह है। कितने साल से आ रहे हैं? ये तीसरा साल है मेरा। तीसरा साल है मेरा। इस बार हम आज जल चढ़ाए हैं। एक बार जयकारा लगा दो। बोल बा, बोल बा, बोल बा। इन जयकारों के साथ अभी इनकी भक्ति कम नहीं हुई है, और ये उत्साह जो है देखा जा सकता है। हम अभी देवघर बाबा मंदिर के प्रांगण में हैं, और उनकी तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे। ये बाबा का त्रिशूल है, इन तस्वीरों को भी जरा दिखाइए। और काफ़ी उत्साह है, बोलबम के नारों से गुंजायमान है बाबा मंदिर का प्रांगण। और यह दृश्य जो है यह देखते ही बन रहा है, और इन दृश्य को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बाबा के मंदिर प्रांगण में कांवरियों के बीच भक्ति कम नहीं हुई है जलार्पण करने के बावजूद।